और यहाँ पर देखिए हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। अभी बॉन्डी को भी मैं देने के लिए जा रही हूँ और आया देखिए अभी तक सो रही है। आप भी आ जाए। वालेकुम सलाम। मैं जाग रही हूँ। हाँ ये जल्दी हम सब उठ गए हैं। बस बच्चे सो रहे हैं, बच्चों में से भी तैयबा सो रही है। तो मैंने कहा कि पराठे बनाओ, लेकिन ये बॉन्डी कह रही है मुझे बिल्कुल सादा रोटी ही खानी है। सादा रोटी मैं घर में भी सादा रोटी खाती हूँ, पराठा नहीं खाती। हाँ, फिर भी ये जो बॉडी है ना इंसान की, कुछ बॉडी ऐसी होती है जी कि वो बढ़ जाती है ना, फिर काम होने का नाम नहीं लेती। फूल गई। कल की आई हुई तुम्हें पता कितना मैंने खाई। एक रोटी मैंने दिलबर की तरफ खाई थी दोपहर को, और शाम को वो ब्रीक वाली रोटी थी वो मैंने खाई थी। ठीक है, रात को वो 10-11 बजे उठ गई। पानी पानी का गिलास मेरा बच्चा, चलो शाबाश उठ जाओ। इनकी सच्चाई मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ। ये देखें जो नाश्ता था, वापस आ गए सिर्फ दही खाया और कुछ भी नहीं खाती। मैंने पहले बोला था कि मैं दही के साथ एक रोटी खाऊंगी बस। ये कब से मुझे कह रही है आंसू उठा लो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं आज खिलाऊंगी इनको, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। दूध मैंने निकाल दिया। तमन्ना चलो चाय तुम बना दो, और नीचे टैंकर आया हुआ है, हमारा पानी भर है। जब तक मैं इसको, घर का पानी खत्म हो गया। मोटर से पानी वैसे बहुत आता है, लेकिन इस दफ़ा गेस्ट ज़्यादा थे तो पानी जल्दी ख़त्म हो गया। टैंकर वाले को बुलवाया तो अभी पानी भर रहे हैं। मुस्तफ़ा आपने इधर रुकना है, मैं जाऊं पर फिर बताना मुझे जब भर जाए। फिर पास आके खड़े हो जाओ ना, घर के पास आके खड़े हो, डोर खुला हुआ है जो पर। फारूक भाई बच्चे सब यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। कैसे हैं फारूक भाई? ठीक है जी, सब ठीक है। ईमान कैसी है? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए मैं अभी छत पे आई हूँ ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए, और मेरे साथ कौन बैठा है? बाबर भी आया हुआ है। बाबर खाली नहीं आता। बाबर खाली नहीं आता। एक और मेरे लिए गिफ्ट लाया है, इसकी अभी ओपनिंग करेंगे, और इसमें भी देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें मेकअप योगा लग रहा है मुझे, मेकअप भी है, और बाकी दिन भर जो भी करूंगी आपके साथ शेयर करूंगी। दांतों से नहीं, हाथों से ही कट जाता है, देखो कट भी गया। और इसकी अच्छा, ये मुझे देना बाकी तुम लोग। हाँ ये फटाने का ये बहुत मजे का है। चलो ये निकल आया, अभी फटाते रहो बजाते रहो। और इसके साथ है आई शेडो पैलेट कार्ड, और ये सारी चीज़ें मैं बाद में दिखाती हूँ कि कहाँ से आया। सबसे पहले ये देख लेते हैं, इतने सारे लिपस्टिक के शेड फिर से आ गए। ये वाले डार्क शेड है थोड़ा सा, और इसके अलावा ये जरूर बुक नहीं, आई शेडो पैलेट है। हाँ ये ग्लिटर वाली है, ये देखो। अच्छा इनकी पिगमेंटेशन चेक करें, नज़र आ रहे हैं ग्लिटर बहुत डार्क है इनके। थोड़ा साइज भी लगा लें बाबर, देखना लगा है या नहीं लगा। लगा ये तो वो बन गया सारा। और इसमें ये वाला लगा देती हूँ, इस पर ये वाला लगा देती हूँ, लेकिन पिगमेंटेशन इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हल्का सा वैसे इनका टचअप करना पड़ता है, कभी किसी दिन ना मेकअप करूँगी ना तो ये वाला पैलेट यूज़ करूँगी, तो आपको दिखाऊंगी। पैलेट बहुत अच्छी है, एक ही दफ़ा लगाने से देखिए फिंगर पे कितना लग गया है। और अब मैं इनका कार्ड आपको दिखा दूँ। यहाँ पर इनका सब कुछ मेंशन है, अस्सलाम वालेकुम डियर सितारा यासीन, और ये इनका पेज नेम है। इसके अलावा लिपस्टिक के हैं 999, 1000 में ये आएगी, 1000 में ये ग्लिटर पैलेट आएगी। इसके अलावा ये रहा इनका कार्ड का नंबर, यहाँ पे मेंशन है व्हाट्सअप नंबर इनका यहाँ पर है। कुछ भी आपको ऑर्डर करना हो तो इनके नंबर से आप कर सकते हैं। बाकी इनका ये नीचे जीमेल भी है। इतने सारे देखें लिपस्टिक शेड्स भी हैं। ये वाला सबसे पहले पिंक वाला ट्राई करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लगाओ, ये वाला शेड काफ़ी खूबसूरत है ना, पिंक पिंक आ रहा है जो है ना। दूसरा शेड अप्लाई करने वाली ये वाला रेड मेहरून कलर है, ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना। हाँ। ये बहुत प्यारा लग रहा है। तैयबा की तबीयत नहीं फ्रेश हो रही? नहीं फ्रेश हो रही। और फारूक भाई सब जो है ना बेबो आंटी भी इस रूम में बैठे हुए हैं, ये पानी पी रहे हैं, इनकी बातें चल रही हैं अभी, क्योंकि भाई भी आज जाने वाले हैं। हाँ जी जी, चलिए आप बातें करें। अच्छा आप दोनों बैठे बातें करें, मैं जाती हूँ अम्मी के कपड़े सिलवा के आती हूँ। अलमारी के पीछे छुपा। हाँ भाभी, भाभी सामने नहीं आती ना तो वो अलमारी के पीछे चली गई। हाँ मैं बस अम्मी के ये कपड़े देकर आती हूँ। और यहाँ पर देखेंगे ग्लिटर कितने ज्यादा लगे हुए। अब जाऊँ फेस वॉश करके जाऊँ, ऐसे टेलर के पास चली जा रही थी कपड़े लेकर, और फेस वॉश तो मैंने कर लिया, अभी तक भी देखें ग्लिटर नहीं उतर रहा। बस अभी चलती हूँ, जैसा भी है जाऊँ। आ जाओ आयत ने भी चलना है, आ जाओ आयत चले। ये देखें फौजिया मेरे लिए क्या बना के लेके आई, फारूक भाई की बेटी। अच्छा एक तो अम्मी के कपड़े भी देने हैं टेलर को, इसके अलावा मेरे भी जो थे ना, जो मैंने अपने दिए थे, अम्मी के भी पहले दिए थे, सिस्टर के सबके वहीं पर है, वो भी आज लेने, सिलाई भी देनी है।
इसके अलावा थोड़ा बहुत और भी जो सामान रहता है, चाचू ने कुछ मंगवाया अपने लिए, ग्लासेस मंगवाए वो भी लेनी है। एक न्यू बाबर की आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो वापसी पे आए अकेले बनाना लेने। कपड़े निकाल दे मुझे, आए तो आपने इधर ही रहना, ओके, तंग नहीं करना पीछे, मैं अभी आ रही हूँ। बच्चे बाहर निकलते हैं तो तबीयत इनकी फ्रेश हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक? ये दो ड्रेस है अम्मी की, सिल जाएंगी, एक दिन का टाइम है। ड्रेस हमारी सारी सिल गई हैं और ये वाली ड्रेस भी भाई ने स्टिच की है, कलर इसका प्यारा ना, तो ये इनहेंस होके दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये दो ड्रेस अम्मी के थे, ये भी सिल गए हैं, ये भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं स्टिच होके। मम्मा की बेबी को उठा लूँ, आए तो उठा लूँ, नहीं अच्छा खुद से चलना है आज तो। मुझे दे दो, मैं पीछे पकड़ के बैठूंगी। है तो काफ़ी ये वजनी, सबके कपड़े एक साथ हो गए ना, इधर कपड़े इतने ज़्यादा वजनी थे ना, शॉपर भी फट गया। और अब हम यहाँ पर आकर वेट कर रहे हैं, कोई पार्सल अभी यहाँ पर देने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ से लेके जाएंगे। इतनी देर वहाँ पे वेट करते रहे पार्सल वाले भैया, तो कहीं मिले नहीं, अभी घर जा रहे हैं वापस। चलो यहाँ पर हम रुके हैं, तो इनका कॉल आ गया पीछे से कि मैं पहुँच गया हूँ। और ये मिल गया मुझे पार्सल, अब इसमें घर चल के देखेंगे कि क्या है। यहाँ से एक बनाना शेक पी के जाते हैं, साथ थोड़ा सा भी नहीं पीना, इनको ज़बरदस्ती ये वाली चीज़ें पिलानी पड़ती हैं। थोड़ा सा और ले लो, थोड़ा सा तैयबा, ये लें भाई। तो वापस अपना थैला उठाएं, इतना वजनी है 10-15 किलो तक का, तो ये पक्का होगा। बैल दो वहाँ से, ये आया था हमारा पार्सल, इसमें है क्या है, इसमें लेंस है, हाँ लेंस है इसमें, और ये इसके साथ का इसका ये भी है। कितना प्यारा ये क्यूट सा बॉक्स है इसका, मतलब इसमें आप सेव करके रख सकते हो। ये देखें, इन्होंने इतने सारे प्यारे प्यारे कलर भिजवाए हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत सा है, लाइट सा। इसको पहन के मैं तीनों को आपको चेक कराऊंगी। और इसके साथ जो है ना, ये देखें स्टिक मिली, इससे बहुत ही ईजीली आप पहन सकते हो, उतार सकते हो, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। ये जहाँ से भी आए इतने प्यारे से, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, किसी को भी ऑर्डर कर रहे हो तो वहाँ से कर सकते हैं। अंदर लेंस अपनी सेव करने का भी है, इसमें मिरर भी है, क्यूट सा छोटू सा है, और इसमें लेंस लगाने का उतारने का, ये देखें साथ में इनकी ये स्टिक भी दी गई है, अभी मैं चेक करूंगी। ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, इतना क्यूट सा है। और सबसे पहले हम ये लाइट वाला कलर चेक करने लगे हैं, पहले ये वाला पहन के चेक करती हूँ। लग गया, एक लगा है उसे, मुझे इतना ज़माना हो गया ना लगाए हुए, तो अब उसे लगता नहीं है। चलो दोनों को मैं लग गया, और मैं नागिन लग रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है नागिन की आंखें लग रही हैं। अब फ्रंट वाले कैमरा से दिखाती हूँ। और लेंस लगा के मैं ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि धूप में जो है ना ज़्यादा पता चलता है कि कौन सा शेड मैंने लगाया हुआ है, या तो आँखें ही नहीं खोली जा रही मुझसे। चेयर पर बैठ जाती हूँ और आपसे बातें करती हूँ। स्क्रीन पे सब कुछ मेंशन कर दूंगी, इनका पेज सब कुछ बता दूंगी, शेड नंबर भी मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, किसी को भी लेना हो इंस्टाग्राम से आप ले सकते हो। और इसके अलावा मेरे हस्बैंड व्लॉगिंग भी करते हैं, उनका भी चैनल है, तो मैं उनको व्लॉगिंग के ज़रिए देखती रहूँगी। और घर जाहिर सी बात है मेरा खुला होगा, हस्बैंड इधर ही होंगे, अपनी वाइफ को भी इधर ही लेकर आएंगे, क्योंकि मुर्गियाँ भी हैं, माओ भी है, उन सबको भी देखना पड़ेगा। तो बाकी सब तो ठीक था, लेकिन अभी कल से मैंने ये सोचा है कि मैं अपना रूम व्लॉग करूँगी, क्योंकि मैं फिर ये चीज़ें ज़्यादा नहीं देख पाऊँगी व्लॉगिंग में, वो जाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड ये दिखाएंगे, ये वाला रूम मैं फिर अपना शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फिर वहाँ पर जाके मैं और तकलीफ लूँ सऊदीया जाकर, तो वो मुझसे नहीं देखा जाएगा। तो मैंने यही सोचा है कि आप ठीक है बाकी रूम में एडजस्ट हो जाना, यहाँ पर और भी 4-5 रूम हैं, एक जिस रूम में मैं सोती हूँ, मेरे बच्चे सोते हैं, उस रूम को मैं लॉक करके जाऊँगी, क्योंकि फिर मैं शेयर होता हुआ नहीं देखूँगी, क्योंकि आप व्लॉग बनाओगे वीडियो बनाओगे वहाँ से, फिर मेरा ये चीज़ें देख के मेरा दिल बर्दाश्त ना करे, तो बेहतर है कि मैं भी सुकून से रहूँ, आप सब भी सुकून से रहें। कि जब आदमी की, मुझे जहाँ तक लगता है, नेचर होती है, अगर आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए खुद से दूर रखते हो ना, तो उसके पास अगर दूसरा ऑप्शन है ना, तो उसको उस दूसरे ऑप्शन की आदत पड़ जाती है। तो मेरे हस्बैंड के पास दूसरा ऑप्शन है फिलहाल, यहाँ पर हम सब थे, बच्चे थे, उनको जाहिर सी बात है हमारे काम के लिए इधर उधर जाना, तो जैसे कैसे हमारे साथ अटैच थे, 2 महीने टाइम बहुत लंबा है, ये भी डर है, लेकिन खुश भी हूँ अल्लाह के घर जाने के लिए। इस चीज़ का भी डर है कि वापस जब आऊँ फिर से ज़्यादा दूर ना हो जाए। खैर अभी तो उनको मैं, वो अपनी जगह पर अपनी लाइफ में खुश रहें, उनको अकेला छोड़ के जा रही हूँ कि खुशी से इंजॉय करें सब, मैं अपने अल्लाह के घर जा रही हूँ, मुझे मेरी अल्लाह की मोहब्बत चाहिए,
लेकिन थोड़ा सा ये वाला भी ख्याल आ रहा था कि जब दूर हो जाओ ना तो फिर उनको और आदत पड़ जाती है अलग रहने की, दूर रहने की। खैर जो भी होगा, मेरा अल्लाह मेरे लिए सही फैसला करते हैं, मेरे अल्लाह मेरे साथ इंसाफ करते हैं। बस अल्लाह के घर जाने की, दिल उदास है, कुछ भी आज सही से शूट नहीं हो रहा। मैं हंस हंस के वीडियोस बना रही हूँ लेकिन मेरा दिल भरा हुआ है यहाँ से जाने के लिए। फारूक भाई के भी उनकी फैमिली का जाने का टाइम है और अब देखते हैं उनको स्टेशन छोड़ने जाती हूँ या नहीं, देखते हैं। अभी उनके जाने का टाइम है, नीचे चलते हैं, भाई वालों का भी जाने का टाइम हो गया। जाते हमारी चाय तो आप तो इधर ही, आप चाय तो ले लें, थोड़ी सी पीती नहीं होना इसलिए। अच्छा चले ठीक है, फारूक भाई, हाँ फारूक भाई को चाय पिलाते हैं आखिरी दफा यहाँ पर। बाबर तो रोज पीता है। चलो फारूक भाई, हमारी भी तो आखिरी हो गई, अभी आप चले। हाँ मैं भी चली जाऊंगी, अभी हम मामू के पास चले जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। सही है, मैं जा रही हूँ, ये भी कराची छोड़ के जा रही है, नदीम उधर जा रही है, फारूक भाई के पास आने वाला है ऑटो। और बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं भी खैर खैरियत से पहुंचूं और आप भी गांव में खैर खैरियत से पहुंच जाएं। हमारी तैयारी है, हम पंजाब जा रहे हैं घर अपने वापस जी। और सितारा के लिए मेरी दुआ है कि ये सही सलामत मदीने पाक पहुंच जाए और सही सलामत अल्लाह ताला से उम्र की सादत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। और अम्मी को और सलमा को और के बच्चों को सबको मेरे लिए प्यार और सलाम जी। अम्मी का भी बड़ा दिल था कि फारूक भाई भी साथ में आए, लेकिन इंशाल्लाह जब नसीब में होगा तो भाई भी जाएंगे, अभी सब साथ में होंगे, फिर इंशाल्लाह वो दिन भी जरूर आएंगे। मैं ना लेंस उतार लेती हूँ क्योंकि मैं फिर से ज़्यादा रोऊंगी और फिर मेरे लेंस जो है ना कहीं ऊपर ना चले जाए, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, बहुत इजीली निकल भी जाते हैं। बस इसमें जो है ना पानी डाल के रख देते हैं कि ये ड्राई ना हो जाए। ये हैं बॉयल वाले चावल बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए वाइट वाले, और बाकी बिरयानी जो है अभी साजिद लेने गए। हमारा हरा भरा घर जो इतने दिनों से भरा हुआ था अभी खाली हो रहा है, सब जा रहे हैं, सब छोड़ के जा रहे हैं। और देखें ऑटो भी बाहर आया हुआ है सामान रखने के लिए, सब बाहर निकल गए। अच्छा फिर मेरा भी साथ में जाने का इरादा बन गया, नैना आ गई थी तो नैना को मैंने बेबू आंटी के साथ बिठा दिया। और अब तो हम इतनी लंबी लाइन में फंस गए, सिग्नल देखें यहाँ से वहाँ एंड तक है, ये शॉर्टकट हम यहाँ से आए हैं, फिर भी देखें इतना ज़्यादा रश है। फारूक भाई बाबर अभी मुझे दिख गए, इतना ज़्यादा रश है वहाँ तक आइए, सिग्नल इतना, ये तीसरा सिग्नल है जो अभी हमने क्रॉस किए, इतना ज़्यादा रश है, यहाँ से भी रश है, यहाँ से भी फुल एंड तक है। ट्रेन निकल तो नहीं जाएगी ना, टाइम तो हो गया। शुक्र है कि हम स्टेशन पहुंच गए। और ईमान भी देखे हमारे साथ बाइक पे आई थी। इधर आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर। भाई बाबर सब लोग अंदर चले गए और हम पीछे रह गए। ये रही माँ, हम जा रही है माँ, का लगता है दिल नहीं है जाने का। चलो कोई बात नहीं, जब मैं वापस आ जाऊंगी ना फिर से आ जाना मेरे पास, सही है, फिर इधर ही पढ़ाई करना मेरे साथ। मुझे और तो किसी ने नहीं रुला रही है, ठीक है मैं जब आऊंगी ना तो मैं ले आऊंगी, फिर मेरे साथ पढ़ना, सही है। चलो 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 ट्रेन में बैठो। सामान सारा अभी अंदर रख रहे हैं, वहाँ ने मुझे बहुत रुलाया है, वहाँ का दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने के लिए। सुबह करेंगे ठीक है बाबा, ठीक ठीक है साजिद भाई, ठीक सुबह फिर घर पहुँच के आपसे रहते होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जाते टाइम मामू भी दुखी हो गया आखिरकार, चाचा कोई बात नहीं, ठीक है फारूक भाई, हाँ बाय बाय मान, बाय 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 माम। अच्छा भाई भाभी सब चले गए, दिल उदास हो गया उनके लिए, बस मैं भी घर जाती हूँ और कोई वीडियो शूट नहीं हो रही, घर जाके फिर आपसे मिलती हूँ। कैसा है मेरा बच्चा, कौन आया घर पे, सानी आंटी आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, बहुत लंबा टाइम लगा दिया आज, इतना बहुत ज्यादा रश, आज को भूख लग रही है, नहीं स्पाइसी ज्यादा खाती नहीं है, अभी शोर करेगी फिर, हाँ ये स्पाइसी है टिक्का, हाँ चले आप खाना खाएं। और आपको भी आज खाने का भी लेट हो गया, मैं स्टेशन पे रह गई। अच्छा अच्छा, अम्मी ने जो मेरे पास अबाया भेजा था ना, दो तीन दफा मैंने पहना है और अभी स्टेशन पे भी पहन के गई हूँ, तो इसको वॉश कर लेती हूँ, वॉश करने का टाइम आ गया। देखें अभी स्टेशन पे गई हूँ ना तो नीचे सारी मट्टी इसको लगती रही है। मेरे इस बैग को भी वॉश करने का टाइम आ गया, इसको भी वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि सऊदी जाने का टाइम अब करीब आ गया। ज़्यादा कुछ नहीं होता, लिपस्टिक होती है जो कि मैं हमेशा इसको लगा के अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, बाकी तो ये पूरा खाली है।
गंदा हो रहा है, सारा मट्टी वाला हो रहा है, इसको वॉश कर ले। और जो अभी बच्चों ने कपड़े पहने हुए थे वो मैंने निकाल दिए, ये भी मैं वॉश करूंगी। और कबर्ड देखें सारी खाली कर दी है, सारे निकाल दिए हैं। जो साथ में लेके जाने वाली हैं वो अलग कर लेती हूँ, जो रखने वाली हैं वो अलग कर लेती हूँ। और सर्दियों के भी मिक्स हुए हैं वो भी निकाल लेती हूँ। इसमें मैंने धो लिए हैं और मेरे खुद के कपड़े देखें धो धो के कैसे हो गए। बैग अभी मैं आपको चेक कराती हूँ, बिल्कुल न्यू हो गए, इसको वॉश करने से अच्छा है। चलो ये धुल गया है, अब मैं ऊपर जाती हूँ छत पे कपड़े डाल के आती हूँ। अच्छा इस रूम में मैं आकर बैठ गई हूँ, थक बहुत ज़्यादा गई हूँ, चक्कर आ रहे हैं। और जैसे पता चलता जा रहा है सबको, रिलेटिव में जो ज़्यादातर हैं गेस्ट हैं वो भी मिलने के लिए आ रहे हैं, और सबकी वीडियो भी शूट नहीं हो पाती, फिर उनको देखना आना जाना सबका लगा हुआ है। फिर इस वजह से ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अभी नींद से ना चक्कर आ रहे हैं। तो मैंने तमन्ना से कहा है कपड़े वो ऊपर छत पे डाल दें, और बाकी अभी कपड़े अलग कर रही थी। और बस बैग पैकिंग के डेज आ गए हैं करीब ही, कल इंशाल्लाह बता दूंगी कब जाना है। और बस नींद आ रही है, एडिटिंग फिर कल सुबह ही उठ के करूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी अब नहीं बैठा जा रहा। जितना काम आज मुझसे ख़त्म होना था वो मैंने ख़त्म कर लिया है, अब बाकी का कल ही देखेंगे। और अपना बस बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।